ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बार बार सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है, लेकिन जहां तो देखने को कुछ और ही मिला। जिन डॉक्टरों ने कोरोना से पीड़ित मरीजों को बचाना है, वही डॉक्टर डर के मारे बिना किसी को बताए अपने अस्पताल बंद करके भाग गए। ऐसा ही मामला जिला गुरदासपुर के बटाला में देखने को मिला, जब बटाला के निकट गांव गज्जूगज से दलबीर नाम व्यक्ति उम्र 50 साल अपनी दवाई लेने बटाला के निजी अस्पताल पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट पर कोरोना की स्टैंप लगी। देखकर निजी अस्पताल वाला अपना अस्पताल बंद करके वहां से चला गया। सर, मेरा नाम है डॉक्टर जसविंदर सदी। मैं मेरा ब्रदर है, वो इत्थे प्रैक्टिस करता है। मैं ते चक्कर मारन आया सी, मम्मी मेरे मदर उन्हां दी मेडिसिन लैन आया सी। ते वो पेशेंट एक सीगा इत्थे, उन्हें दस्या नहीं मैनू कि मैंने इस तरह कोई होम क्वारंटाइन किया सीगा या नहीं किया सी। मैं उस तो बाद उन्हें सिर्फ रिपोर्ट कट के दसी कि कुदरती रिपोर्टा ची एक रिपोर्ट आ गई जिसे मोह लगी सी भी होम क्वारंटाइन हैगा। डेट 14/4/2020 सी। हुण मैनू ये क्लीयर नहीं हैगा जी कि डेट 14/4 तक क्वारंटाइन किया सी या उस 14/4 तो स्टार्ट किया। उन्होंने नाम दलबीर सिंह हैगा जी, 50 साल, गज्जा पिंड है। तो जो मैं फटाफट फिर SMO साहब ना गल की इनफॉर्म किया इस तरह गल हैगी। तो सारे स्टाफ उन्होंने मेरे ब्रदर कट सर उन्होंने PPE किट्स वगैरह पाइया सी। सो उस तो बाद इनफॉर्म किया सारे डिपार्टमेंट्स। निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि हम उसकी रिपोर्ट पर जो कोरोना की स्टैंप लगी थी उसको देखकर डर गए थे, इसीलिए अस्पताल बंद करके चले गए थे। लेकिन हम सिविल अस्पताल बटाला के सीनियर मेडिकल अफसर संजीव भल्ला को फ़ोन पर बता दिया था, उनके द्वारा ही कोई टीम नहीं भेजी गई, जिसके कारण बटाला में दहशत का माहौल देखने को मिला। वो बंदा जदों इत्थे डॉक्टर कोले आया तो डॉक्टर ने देखा उहदा पेपर के पेपर के उत्ते स्टैंप लगी है कोरोना वाली। इत्थे भगदड़ मच गई, डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल बंद करता, पुलिस को दसिया नहीं कि इतने लोगों के दहशत का माहौल बन गया। फिर जदों मैं इतने आके डॉक्टर साहब तो पूछगिछ की, बंदे का हुडिया पूछया, उन्होंने याद सगा कि दलवीर सिंह पिंड गज्जूगा जी। मैं उस पिंड चंगी तरह नाल जानदा, उत्थे मेरा दोस्त सी, मैं उन्होंने फोन किया। उस पिंड दे विच दलवीर नाँ के तीन बंदे रहिंदे सी, तिन्हां दीआं मैं फोटो मंगवाइया। दो बंदे घर के हाजिर से, जिहड़ा तीजा सी उह बटाले नूं आया सी दवाई लैण वास्ते, अपना समान लैण वास्ते, वह फिर मैं ट्रेस कर लिया। वह बंदा कंपनी दे विच बठिंडे नौकरी करता सी, लॉकडाउन तो पहला वह वापस आ गया सी। पिंडियां ने जदों पिंड दे विच अनाउंसमेंट की सी कि कोई भी बंदा बाहरों आया होवे तो वह हॉस्पिटल जाके अपना मैडिकल चैकअप करवा दे। उस बंदे ने नौशहरा मझा सिंह हॉस्पिटल जाके अपना मेडिकल चैकअप करवाया सी, जो कि ठीक पाया गया, पर फिर भी डॉक्टर ने उन्हें 14 दिन वास्ते घर तो बाहर ना निकलने की सलाह दी सी। मेरी गल ये बारे SMO लखवीर सिंह भागवालिया नाल गल हुई, उन्होंने दसिया कि बंदा बिल्कुल ठीक आ, इन्हू 14 दिन वास्ते असी एकांतवास में रहने लिए कहा कि तू बाहरों आया, हो सकता कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने गल की, उन्होंने दसिया कि बंदा बिल्कुल ठीक है। वह बंदा फिर भी इतों दवाई इनू डॉक्टर तो जो नहीं मिली तो वह अपने हॉस्पिटल गया नौशहरा मझा सिंह। डॉक्टर ने कहा कि तू ठीक है, तू अपने घर में चल जा। इस करके असी उस बंदे ट्रेस किया, सानू 2 घंटे का समा लग गया
जदोजहद करते हैं पर असी कामयाब हो गए। दूसरी तरफ इस घटना का पता DSP गुरदीप सिंह को लगा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 घंटे की मेहनत के बाद उस आदमी को ट्रेस किया जो निजी अस्पताल से चला गया था। DSP का यह भी कहना है कि सिविल अस्पताल की नाकामी के कारण ही लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 3 घंटे तक कोई भी सेहत विभाग की टीम नहीं पहुंची, जबकि हमारे पुलिस कर्मचारी द्वारा सूचना भी दी गई थी। मेडिकल अफसर का कहना है कि हमें किसी का भी फोन नहीं आया, उन्होंने जो बटाला में दहशत का माहौल बना था उसको देखते हुए ही अपनी टीम भेजी थी। ज़रूरत है उन सरकारी डॉक्टरों को जो इस बीमारी से खुद डर रहे हैं, जिन्होंने मरीज को बचाना है। अगर वे अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें तो कोरोना को हराने में हम सफल हो जाएंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए बटाले से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कोई पुलिस अफसर का इस प्रति कोई टीम भेजने वास्ते कोई फोन नहीं आया। मैं अपने आधार के उत्ते मिलो जो सुनी सुनाई गल आई तो मैं पता किया पेशेंट गजूगर जी का सी और मैं मेरे नाल बलदेव सिंह जो उन्होंने पुलिस मुलाजम ने उन्होंने मैंने गजूगर जी के SMO का टैलीफोन नंबर पूछा, निशाना मच्छा सिंह के SMO का टैलीफोन नंबर पूछा ताकि उन्होंने उन्होंने इनफॉर्म करना सी और मैं उन्होंने उस SMO का नंबर देता।